सदर तहसील के फूलवाड़ी इलाके में बिल्कुल जलप्रलय की स्थिति आप दूर तक देख सकते हैं। जहां तक आपकी नज़र जाएगी पानी ही पानी है, और हम खुद इस समय जहां हैं यहां पर आप इस पानी की धार की स्पीड को देख सकते हैं, और इसके आगे जा पाना शायद मेरे हिम्मत या बस की बात नहीं है। किस जगह पर कितनी पानी का फ्लो होगा और कितना गहराई होगी, ये भी जो है इसका भी आकलन कर पाना बड़ा मुश्किल है। इस बंदे के उस पार अगर प्रशासन की माने तो एक दर्जन से अधिक वो गांव हैं जो इस बाढ़ की स्थिति में फंसे हुए हैं, और कुछ लोगों को यहां लाकर बंधे पे बसाया गया है। आप देख सकते हैं कि बंधे के साइड में खड़े ये लोग इस पानी को निहार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बंधे पर लाकर बसाए गए हैं अंदर से, और ये एक तक जब से यहाँ आए हैं तब से एक तक इस नदी को निहारते रहते हैं, और एक ही इनके मन में सवाल रहता है कि कब ये जल प्रलय शांत होगी और कब वो अपने वतन अर्थात अपने घर की ओर वापसी करेंगे। अपना घर बार मड़ैया मकान या कुछ भी कहें, सबको छोड़कर वो अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में इस बंधे पर आकर रुक गए हैं। इस बंधे पर प्रशासन ने आके इनको जो है रुकवाया है खतरे को देखते हुए, क्योंकि ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि पानी कब तक और कितना रहेगा। प्रशासन की माने तो लगभग 95% लोगों को बंधे के पर ला करके यहाँ सुरक्षित निकाल के लाया गया है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का स्थानीय लोगों से बात की जा रही है, उनका आरोप है कि प्रशासनिक लोगों ने की तरफ से इन बात तो दी जा रही है, व्यवस्थाएं मुहैया करा जाए की कही जा रही हैं, लेकिन भारी मात्रा में अभी भी लोग गांव के अंदर फंसे हुए हैं। उनका तर्क है कि आखिर वो कैसे अपने पूरे साजो सामान जानवर इनके साथ में बंधे पर आ सकते हैं, कि बंधे पर रहने के लिए एक मुनासिब व्यवस्था एक मुनासिब जगह है, वहाँ पर आकर केवल कुछ समुचित लोगों को रोका जा सकता है। हालांकि लगभग 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन से ये हालात हैं, और ये हालात कब तक रहेंगे ये कह पाना बड़ा मुमकिन है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आइए कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। प्रशासन का कहना है कि हम उनको लगातार राहत पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। किस गांव के रहने वाले? करदहिया मानपुर। कहाँ पे है? बेढ़ा सुतिया के बगल में, करदहिया मानपुर। कितने लोग, कितना गांव में कितने लोग रहते होंगे? गांव में कम से कम 1200 के ऊपर आबादी है। हाँ, चारों तरफ पानी भरा है। हाँ, तो गया नहीं अभी? हाँ, पूछ लीजिए। 10 लोग हमारे नहीं गया है। ऐसा है की मेरा नाम है गुड्डू है, करदहिया मानपुर के रहने वाले है। हमारे गांव में ऐसा है कि मतलब समस्या है कि हम खुद आए बाहर से, हमको जाने की समस्या नहीं है कि हम अपने गांव में जाए। नाव के भी नहीं साधन है गांव में, न कोई झांकने गया क्या व्यवस्था है, बस यहां व्यवस्था हो ही रहा है बस। तो अभी प्रशासन हमला तो है, मौके पर चौकी बनी है, क्या कहते हैं चौकी वाले? चौकी वाले कोई हमला सुनते हैं यहाँ वाले सुनते हैं, बंधे बाहर वाले गेहूँ बचा रहे हैं, अपने धान बचा रहे हैं, जानवर बचा रहे हैं, बेचारे डूब रहे हैं, भूखन मर रहे हैं, कौन आ पा रहे हैं बंधे के अंदर से? 10-100% में 5 लोग नहीं आ पा रहे हैं। बहुत जरूरी किसी का दवा लेना है या राशन लेना, वही आ रहा है, बाकी तो सब बंधे भीतर पर रहे हैं। रास्ता नहीं है, न कोई सुविधा है। हम लोग बच्चे सब ऐसे कटान पे फंसे हुए हैं। अच्छा, हाँ बताइए, मजरी कितने कटान पे फंसी हुई, वहाँ पानी इतना ओवर चल रहा है कि गांव के गांव बहवा रहा है, मड़ैये बहवा रहा है, बच्चे जो जा रहे हैं वो बह जा रहे हैं, हम लोग मुसीबत में दौड़ रहे हैं। कितनी जो है बंधे पे आप लोगों को लाके बसाया गया है? बंधे पर जो आ गए हैं वो आ गए हैं, अभी हम लोग अंदर ही हैं बंधे के। कितने लोग अंदर फंसे होंगे वहाँ लगभग? लगभग वहाँ तो हम जानते हैं कि बंधे के भीतर 95%। हाँ, 5% तो बाहर आए सर, 5% केवल बाहर आए, 95% तो वहीं पे हैं। खेती बाड़ी घर द्वार भाई वहीं पे हैं, रोजगार उनका। किससे? प्रशासन लोगों से बात होती, क्या कहना इनका? प्रशासन के लोग जब पहुंचे हैं तभी तो बात हुई। नहीं, आप यहां चौकी पे, आपने उनसे कोई समस्या बताई? मिलवे ना कि हमारे पंकज शर्मा, पंकज वर्मा थी, हम तब तक चली गए। अभी हम चौकी पर जाकर बात किए लेखपाल साहब से, तो वो बोल रहे हैं कि हम मानपुर करदहिया के नहीं हैं, शर्मा हाँ पंकज वर्मा हैं। तो हम बोले कि आपसे कोई बात नहीं हमारी, हम जा रहे हैं, हम पानी हेल कर हम अपने बच्चे के पास जा रहे हैं। तो ये वो मानपुर करहिया गांव के कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि कुछ गांव को राहत मिल रही है, लेकिन कुछ गांव अभी अंदर जो है पानी के अंदर लोग फंसे हुए हैं। 90% लोग अभी अंदर हैं और लगभग 10% लोग ही बाहर आए होंगे। यहां लोग आते हैं, चौकी बनी हुई है, इनका आरोप है कि चौकी पर आके जब प्रशासनिक लोगों से बात की गई है तो उनका कहना है कि हम उस गाँव के लेखपाल नहीं हैं। तो ये हालात हैं, ये एक तक निगाहों से ये घर को वापसी कब करें पे कहेंगे ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन पानी की तेज़ धार और इसका जलप्रलय यहाँ के लोगों के लिए आफत बना हुआ है, और ये आफत की आहट आखिर कब समाप्त होगी इसके बारे में बिल्कुल सुनिश्चित कर पाना बड़ा नामुमकिन है। लखीमपुर खीरी पोस्ट, गोपालगिरी।